रखी है धनिया और प्याज, और अब मैं सारे मसाले, हल्दी बस कलर के लिए, और 1/4 से ज्यादा दो इंग्रेडिएंट है जो आप मेरे वीडियोस में सब बहुत अच्छा पसंद है, जब भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए इनको बनाती हूँ मैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ विद शेली। आई नो आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। देखो मेरे बाल में अभी तेल लगे हुए हैं क्योंकि संडे, और ये हमारा रिचुअल है बींग एन इंडियन की सर में ऑयलिंग तो होनी ही चाहिए सैटरडे रात से, तो वही मैंने किया हुआ है। एंड मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यू नो आई वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट। इसमें न्यू प्लेलिस्ट मतलब खाना बनाने को लेकर, बेसिक कुकिंग। अब देखो हम सारे लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना बनाना नहीं आता, बहुत सारे मम्मी पापा से दूर रहते हैं, सो दे डोंट नो हाउ टू कुक ऐसे घर का खाना एंड ऑल। एंड मैं भी उनमें से ही एक थी कभी, जहाँ पे मुझे बेसिक यू नो चीज़ें भी नहीं आती थी खाने में, लिटरली केचप डालती थी सो दैट उसका टेस्ट आ जाए यार जब भी मैं कुछ बनाती थी। बट धीरे धीरे मैंने खाना बनाना खुद से सीख लिया, कम मसालों के साथ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करके। मैं कोई शेफ नहीं हूँ बट हाँ मैनेजेबल खाना बना लेती हूँ, इसलिए आई वॉन्टेड टू शेयर दिस प्ले लिस्ट विथ यू, जहाँ पे मुझे एवरी डे यू नो ऑफिस के लिए खाना ले जाना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है, अपनी क्रेविंग्स के अनुसार खाना बनाना पड़ता है। सो आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू, और हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट डे से। आज मुझे सुबह सुबह बारिश हो रही है इसलिए पकौड़े खाने का मन था, मुझे दाल वड़े बनाने हैं, कम चीजों में ही दाल वड़े बनाऊंगी, और आई विल शेयर विथ यू गाइज दैट रेसिपी। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, और एवरी डे स्टे ट्यून विथ मी। मैं छोटे छोटे रेसिपीज, थोड़े बड़े मेन कोर्स की भी रेसिपीज लाती रहूंगी जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, जहां पे ऑफिस में आप ले जा सकते हो, आराम से जल्दी जल्दी बना सकते हो और खा सकते हो। सो लेट्स गेट ऑन टू टुडेज वीडियो। देखो दाल वड़े के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, दाल जो है ये चना दाल मैंने रात को ही भिगो दिया था। आप 3-4 घंटे पहले भी ऐसे भिगो सकते हो, गर्म पानी में भिगोगे तो वो तुरंत से ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। और बस 3 इंग्रेडिएंट में यहाँ पे यूज करी हूँ एक्स्ट्रा, ये मैंने मिर्ची काट रखी है, धनिया और प्याज, और अब मैं सारे मसाले मिक्स करूंगी एंड आई विल शो यू इसका मिक्सचर कैसे बनेगा। इसको मैं पहले मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ, थिन नॉट थिन, एक पेस्ट जैसे मिक्सचर में। ओके सो हाँ हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, आप देख रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना ज्यादा ना थिक है ना ज्यादा ऐसे पानी पानी ऐसा है, कभी कभी थोड़ा सा अगर पानी हो जाए ना तो बेसन डाल लो तो उससे हो जाता। अब मैं सारा जो इंग्रेडिएंट है इसमें डालूंगी, मतलब मेरा धनिया, मेरी प्याज और जितना भी आपको मिर्ची डालना है वो मिर्ची। ओके अब आगे के इंग्रेडिएंट डालते हैं। अब मैं डालने वाली हूँ उसमें 1/4 स्पून हल्दी, ज़्यादा नहीं पसंद है मुझे हल्दी, बस कलर के लिए, और 1/4 से ज़्यादा मिर्ची, मिर्ची अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो। अब यहाँ सारा सेलिंग दो इंग्रेडिएंट है जो आप मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते देखोगे, ये एवरेस्ट का किचन किंग मसाला, जो मैं वन मसाला है जो सारे यू नो सब्जी वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और ये मैगी मसाला है, मेरा फेवरेट है क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए सेवियर है जिनको इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, और जो लोग बाहर रहते हैं। मैं 40 तरह के मसाले ना बहुत कम ही यूज़ कर पा रही हूँ, मुझे डिफ्रेंसिएशन और स्वाद नहीं पता चलता, तो इन दोनों को यूज़ करके मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो येस आई एम गोना यूज़ दीज टू मसाला एंड देन लास्ट में नमक, इसको मैं मिक्सर में बनाऊंगी और फिर हम चलेंगे अपने पकौड़े। तो मैंने डाल दिया है 1/4 स्पून किचन किंग मसाला और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा मैगी मसाला इसमें, और ये जो मिक्सर है ये पूरा हम अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ओके और फिर हम चलेंगे अपने पकौड़े। हाँ तो लास्ट में नमक डाल दिया, मिक्सर रेडी हो गया। मैंने साइड में एक बाउल में थोड़ा सा पानी रखा है क्योंकि हाथ में पानी को टच करके छोटे छोटे पकोड़े बना लूंगी, नहीं तो ये मिक्सर जो है ना हाथ में चिपकता रहेगा। यहाँ मेरा ऑयल जो है डीप फ्राई होने के लिए गर्म हो रहा है, तो ऑयल अपने हिसाब से गर्म कर लो, एंड देन ऑयल जब गर्म हो रहा है ऐसे बबल जाए हल्का सा हो जाए तो थोड़ा सा फ्लेम कम करके मीडियम फ्लेम में इनको हमें फ्राई करना है। ओके तो हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, यू कैन सी एक थोड़ा सा मेरे हाथ को लग गया था, तो आप मीडियम फ्लेम में इसको पका लो, ऐसे गोल्डन ब्राउन करना है आपको मीडियम फ्लेम में, ताकि अंदर तक जो है सारे पक जाए। इन पकौड़ों की बेस्ट बात पता है क्या है कि आप इनको एज ए ब्रेकफास्ट भी खा सकते हो, और लंच में खाना चाहो ना तो इनको बस टमाटर और प्याज की ग्रेवी में डाल दो, जो एक ग्रेवी बेसिक बनती है वो ग्रेवी बना के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एंड दे आर मल्टी यूजेबल पकौड़ास, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा पसंद है, जब भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए इनको बनाती हूँ मैं थोड़ा सा इधर मिक्सर रख लेती हूँ बाद के लिए फ्राई करके उनका ग्रेवी बनाने के लिए, जो राइस के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं, मैं और 2-3 बनाऊंगी क्योंकि मेरे जैसी सिंगल जान इतना ही खा सकती है अम्मी। तो हियर आर माय गर्मा गर्म पकौड़ास रेडी टू बी ईटन केचप के साथ, चाहो तो बाद में ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मैं डालूंगी इसके साथ खा सकते हो, बट या दे आर गोइंग टू बी सो मच यम्मी। लेट मी जस्ट ट्राई वन, क्योंकि मैंने खाते खाते मतलब बनाते बनाते एक का हाफ तो खा ही लिया। क्रंची एंड डिलीशियस। I'll see you on another vlog, another videos. Don't forget to subscribe my channel. Yummy.
अर्बन लाइफ विद शैली। बाय बाय।